बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर ऑफिस का। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुल्तान एनिमल्स टीवी। आज मैं मौजूद हूँ अपने नवाई कस्बा फाजिल शाह में और आप दोस्तों को भैंसों का शौक़ करवाऊँगा, तो इनके ऑनर से बात करते हैं। कितने अरसे से शौक़ कर रहे हैं, कौन सी नस्ल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अपना नाम? शहजाद, मोहम्मद शहजाद। अच्छा, अपना इलाका कैडा है? फाजिल शाह। फाजिल शाह, तहसील कबीर वाला, जिला खानेवा। जी। अच्छा, कितने अरसे से शौक कर रहे हो? बस शुरू से शौक है। शुरू से यानी कि थोड़े अबाओ वजदा थोड़े तो। अच्छा, तू सी यानी कि कितने अरसे तू मस्जिद की फीड है जाए? तकरीबन कितने साल दे तोड़े अंदाजे पहले दा अंदाजे भी पहले भी नहीं नहीं यानी कि तू सा कितने अरसे से शौक करंदे पयो मस्जिद दा? सब तो पहले माशाल्लाह स्पेशल जी वीडियो तुहाडी इस कट्टी दे पारो बनाने पाए हैं, ये हम कितने दिन हो गई है? भी दिन हो गई है। माशाल्लाह जी, पाँच किलियाँ नहीं कट्टी है, चेक करो माशाल्लाह। अच्छा, इसकी कैडी माँ है भाई, वो सू दिखाओ। अच्छा, ये वो माँ है, पाँच किलियाँ। अगर दोस्तों को पता हो, मैंने जो वीडियो वो कले में लगा दूंगा जब हम इस भैंस को क्रॉस करवाने गए थे। अच्छा दोस्तों, दसो जिस दिन आप जोटी क्रॉस करवाने गए से कितनी मुश्किल ना उसे पहुंचे से दरिया के बीचों? बड़ा मुश्किल है, बड़ी आटा है दरिया दी से, बड़ा खोबा पानी जाग जाग के। बिल्कुल नहीं निकल रेता जा जाग जाग। अच्छा, तकरीबन आप कितना किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं? तकरीबन 15 किलोमीटर सफ़र। 15 किलोमीटर हमने पैदल सफ़र किया था। उस वक्त ये जो जोटी आपको नज़र आ रही है, ये क्रॉस करवाने गए थे और माशाल्लाह ये कट्टी 10 माह और 5 दिन के बाद पैदा हुई और इसका जो बाप है वो भी सेम इसी तरीके से, यानी कि ब्राउन कलर में। अच्छा, हूँ माशाल्लाह जोटी पहला सुबह ना? हाँ जी, पहला। कितनी एवरेज कर रही है दूध? अच्छा, इन खाल चोकर बनने वगैरह पा रहे हो या सिर्फ पट्ठे? पट्ठे पट्ठे, ठीक हो गए। अच्छा, तुहाडे अंदाज़ विच एवरेज दे मुतल्लिक अगर तुसी इन्हां नूं खाल चोकर वंडा वगैरह पाओ तो कितना दुध कर जांदे? सही सही हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਖਾਈਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ ਜੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਜ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਸ਼ੌਕ। ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਸਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਈ 2-4 ਕਿੱਲੇ। 2-4 ਏਕੜ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਰ, ਬਰਸੀਨ, ਸਮਾਕ, ਕੁੜੀਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਖਲੋਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਦੀਆਂ ਸੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। इसका जो एक माँ गई, ये पहला सुबह या दूसरा? पहला बार है। कितना दूध कर रही?
6-7 किलो एक टाइम ठीक है, यानी कि बच्चे को पिला जो समय ठीक हो, यानी कि 3 kg आप बच्चों को बताते हैं और बाकी दूध निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा कैडी ब्रीड है? रावी है। रावी प्योर? रावी प्योर रावी ठीक हो गई। तो जरा जोटा वगैरह होंगे यानी कि तुम बाहर पैक कराएंगे जो तुम अच्छा लगता है? हाँ जरा अच्छा लगे जरा ठीक अड़का चंगा हो जो जोटे का। अच्छा चंगी माँ का हो चंगे प्योर हो गए ठीक हो गए और खड्डे तुम क्रॉस क्रॉस कराएंगे। अच्छा जोटी ये देखिए तुम्हें उम्र है? माशाल्लाह साल दी है। साल दी होगी ए अली? ए 2.5 साल दी है। 2.5 साल क्रॉस होगी खाली है? खाली खाली। चलो उसके बाद दूसरी भी कर लो आगे अली। ए अली मत अच्छा साल हूँ क्रॉस वगैरह कोई नहीं? नहीं क्रॉस कोई नहीं। दूध वगैरह कर रही कोई नहीं? दूध 4-5 किलो। अच्छा थोड़े खड़े करे ठीक है माशाल्लाह। कितना वारा सूई हुई है? तीसरा वारा हूँ। अजय खाली है ना? खाली खाली है। आली जोटी 2 साल यही क्रॉस कोई नहीं हुई? तकरीबन आप लोगों जानी जोटी होनी कितने उम्र है क्रॉस होनी है? अगर ये मैं सौंदी हूँ कटियाँ जमदी हैं बंदा उन्होंने बचे हो दो चौगे ना। अच्छा यानी कि उन्होंने फोल दो दो उन्होंने पीवन में शौक है जितना पीवन और खीरी होती हैं तक बनाओ वही है। अच्छा अगर दो बंदा ना दे बचे हैं हाँ जी दो तो मारे लेट तैयार होते हैं सही यानी कि जरा बच्चा कमजोर हो जाता है लेट होता है लेट होता है ठीक है चौगी वही होती हैं सही है। अच्छा उन्हें थोड़े अंदाज दुंदी होने तक हो जाए क्रॉस? उम्मीद बड़ी है ठीक हो गए माशा। अच्छा जानवर की देखभाल तुसी आप करने या कोई मुलाजम वगैरह रख दे? आप मुलाजम को नहीं आप करने मालूम। अच्छा साडे पियो दादा जी आप करने ना सही आप करने। अच्छा ठीक है मुलाजम के लिए रखे। अच्छा नवे दोस्तों की पैगाम देना चाहो भाई मज्जी रखने फायदा या नुकसान है? नहीं नहीं नुकसान कोई नहीं फायदा है फायदा केड़ी केड़ी चीज का फायदा? एक तो अपना दूध खालिस हो गया खालिस मक्खन देसी देसी मक्खन माशाल्लाह क्या बात तो टपोंदा माल नाल बिल्कुल क्योंकि अपने जड़े पंजाब है ना मान दी जान पहचान में मज्जे तो है पे। हां जी ठीक हो गया सारा दे मार गुजारो। चलो नवे दोस्तों ना आखदे सारे चैनल नु सब्सक्राइब ही कर दे ओके मां आ चलो यार सब्सक्राइब कर दो।